नमस्ते सभी को। अभी हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्टेप वन को हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे थे। मैं हूं और शरीर है, तो मैं हूं इसे मैं देख पा रहा हूं, शरीर है इसे भी मैं देख पा रहा हूं, और ये दोनों भिन्न भिन्न वास्तविकताएं हैं इसे भी मैं देख पा रहा हूं। इस अभ्यास को करने का प्रयास कर रहे थे। इसको हम लोगों ने कल एक असाइनमेंट के रूप में भी लिया था। तो अभ्यास दो में बेसिकली हम मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूलतः चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। पूरी प्रकृति में देखें तो दो ही तरह की वास्तविकताएं हैं, चैतन्य है और जड़ है। देखने वाला चैतन्य है। तो पहले अभ्यास में हमने चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास किया, दूसरे अभ्यास में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम मैं को एक चैतन्य इकाई के रूप में जैसा है वैसा देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और साथ ही जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये पता लगता है कि जड़ के होने का पता, यानी शरीर के होने का पता मुझे शरीर से मिलने वाली सूचना से चलता है। तो शरीर से संवेदनाएं मिल रही हैं, उन संवेदनाओं को जब मैं देखता हूँ तो शरीर के होने का पता लगता है। वैसे ही मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं को देखने से लगता है। कल हम लोगों ने इसमें थोड़ी और एक बात जोड़ी थी कि दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, यानी जिससे मैं की क्रियाएं कह रहा हूँ वो शरीर में नहीं हो रही, इस बात को हम अपने आप में कैसे देख पाते हैं, उसको अपने को ऑब्जर्व करना था। जी, उस असाइनमेंट को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। इस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन कर रहा था कि हम मतलब ये हम अनुभव कर सकते हैं इसलिए मैं हूँ, मगर ये हम कैसे सुनिश्चित करें कि मैं हूँ और ये शरीर है ये अलग है। और तो इस पे थोड़ी रिफ्लेक्शन चल रही थी और ऐसा लगा कि मतलब वो मैं शेयर करता हूँ कि ये हम मतलब मैं यहाँ तक आया था कि ये अनुभव करने वाला जो है या ये अनुभव की प्रक्रिया जो हो रही है ये मैं हूँ, और जो अलग अलग इंद्रियों से मुझे प्रतीत हो रहा है तो मेरा शरीर मुझे ये इंद्रियों से प्रतीत होता मतलब इंद्रियों से प्रतीत होता है या इंद्रियों मतलब इंद्रियों द्वारा जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस्ड उसके द्वारा जो प्रतीत हो रहा है वो शरीर है। मगर ये तय करना बहुत मुश्किल है कि मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है ये जो थोड़ा क्वेश्चन बनता है कि कॉन्शियसनेस अपने को शरीर के द्वारा या ये फिजिकलिटी के द्वारा मैनिफेस्ट कर रहा है या कॉन्शियसनेस ये फिजिकलिटी का इवॉल्व प्रॉपर्टी है, तो ये हम कभी कैसे देख पाएंगे क्योंकि हमेशा ये मर्यादा रहेगी कि हम जो मतलब हम जो टेक्नोलॉजी के थ्रू देखने देख पा रहे हैं धीरे धीरे, पहले कुछ चीजें हम देख सकते थे अब वो चीजें अब हम देख रहे हैं और आगे जाके कुछ चीजें हम देख सकेंगे, तो ये हमेशा ये मर्यादा ही रहेगी कि मतलब मेरी फीलिंग अपने आप इंडिविजुअली आ रही है मतलब फीलिंग आ रही है और उसके वजह से ब्रेन में प्रक्रिया हो रही है या मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और फिर वो प्रक्रिया मतलब फीलिंग आ रही है और वो प्रक्रिया ये ब्रेन या उस सेल के माध्यम से प्रतीत हो रही है। ये देख पाना मुझे मतलब मेरा रिफ्लेक्शन ये रहा कि अगर हम ये जैसे अभी मैं थॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे, मगर स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो उसके आगे अगर हमारा मन का स्पीड है मतलब फिजिकलिटी जो साइंस बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज फिक्स्ड और वो मैक्सिमम है, उसके आगे हमारा मन का स्पीड है तो हम कह सकते हैं कि ये सेपरेट है। तो ये थ्रेड पर ही एक बात चली। दूसरा मेरे मन में ऐसा आया कि हम
सभी चीजें अभी देख रहे हैं, तो हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर हम देख रहे हैं अपने। तो एक एक रिफ्लेक्शन ऐसी रही कि मैं ये एक शरीर हूं केवल, ऐसा अगर मैं मान रहा हूं तो क्या मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल लगता है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये थॉट जो चला, रिफ्लेक्शन वो शेयर करता हूँ, कि अगर मैं सिर्फ शरीर हूं ऐसा मुझे लगता है, तो फिर मेरा सब डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज के हिसाब चल रहा है सब। तो मैं खुद को एक मर्यादा, मेरा सब मर्यादा में चल रहा है एक चीजें, और मैं खुद को लिमिटेड महसूस करता हूँ। क्या ये मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है? तो मुझे नहीं लगा वो नेचुरली एक्सेप्टेबल, मतलब पता नहीं। तो यहाँ तक रिफ्लेक्शन हुआ कल के बारे में। इस तरीके से हम सुनिश्चित कर सकते हैं क्या, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा, कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, और मतलब मेरा शरीर अलग है, क्योंकि मेरा शरीर भी मैं के द्वारा, मेरा सेल्फ के द्वारा ही महसूस कर सकता हूँ। तो अगर मेरी अनुभव करने की ताकत नहीं है, तो शरीर होगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं तो प्राइमरी है ही, मगर ये अलग अलग कैसे करना है, ये हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा देख सकते हैं क्या, या ये दिशा हो सकती है क्या जी, आप? बहुत अच्छा। एक तो अच्छी बात यह है कि कल इस मुद्दे पे आपने दिन भर का समय लगाया, काफी ध्यान दिया आपने, है ना। और प्रतियोगिता का मुख्य मुद्दा तो ध्यान देने का ही है, और उसमें भी अगर हमारी प्रायोरिटी बन जाए कि मैं और शरीर को अलग अलग देखना है, तो फिर हम उसके लिए बहुत सारी विधियां सोचना शुरू करते हैं। इतना तो निश्चित है कि जब तक इसको स्पष्ट रूप से देख न लिया जाए कि मैं और शरीर अलग है, तब तक दोनों को एक मानने का कुछ ना कुछ अभ्यास तो बना ही रहेगा, कि नहीं। जी तो आपने जो भी अभी बताया वो अगर देखें तो उसमें काफी सारा हिस्सा तो विचार के स्तर पर है। जी लाइट का जी स्पीड, मन का स्पीड, है ना, ये हम ले लें, या हमको जी इसमें तर्क जोड़ें, इफ दिस देन दिस एल्स दिस, है ना। ये इफ देन एल्स जो हम कहते हैं, ये सारा कुछ तर्क है, विचार है, ये देखना नहीं है। जी और सहज स्वीकृति के आधार पर भी हम जब देखने जाते हैं तो ये बहुत ठीक से तय नहीं हो पाता कि यही सहज स्वीकृति है या नहीं है। दूसरा, सहज स्वीकृति से इन दोनों के अलग अलग होने का पता कैसे चलेगा? सहज स्वीकृति से भाव का पता चलता है, बट ये भाव मुझ में हो रहा है या शरीर में हो रहा है, शरीर के किसी विशेष हिस्से में हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, जी 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 है ना। बढ़िया जी जी बिल्कुल वही सवाल आ सवाल रहे थे, मतलब कि जी। जी, मगर ये भी सवाल आ रहा था भैया कि ये मतलब ये हो सकता है कि हम ऐसा देख सकते हैं क्या सेपरेटली? हमको वो पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर हम जैसे चीज, कई लोगों ने, अभी रामकृष्ण है या ये विवेकानंद, ये लोगों ने देखा है जिनको हम रेवरेंस कहते हैं, और उन्होंने अपने जी अनुभव लिखे, मगर जब तक हम नहीं देखते तो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ही है, मतलब हमें खुला ही वही रखना पड़ेगा वो अपने लिए, है ना? वही कई इंफॉर्मेशन तो हमें कई हजारों वर्ष से मिल रहा है, जी 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 बिल्कुल परंतु बिल्कुल हमारे जीने में नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमारे देखने में नहीं आया है। जी तो मुख्य मुद्दा तो देखने का है, क्योंकि देखने से ही आश्वस्ति बनती है, और अल्टीमेटली सारा मुद्दा तो देखने का है। मैं का सारा विकास देखने से है, जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखे, और जो देखने वाला है वो अगर वो स्वयं को ही ना देख पाए, तो वहां पे जी जो भी भ्रम होगा, जो भी मान्यता होगी, वो बाकी कुछ भी देखने जाएंगे उस पे वो सुपरपोज होता रहेगा, उस पे वो मान्यता, है ना, कहीं मिलती जी रहेगी, उसमें मिलावट होती रहेगी, कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग ही रहेगा, मतलब रहेगा, है ना। मगर हम भैया ये मतलब अभी ये मान के देखने के बजाय ये प्रश्न हम में खुला है, ऐसा मान के कि अभी तक ये हम तय नहीं कर पाए हैं, देखते रहना है, ऐसी ही वो बिल्कुल प्रक्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल,
जी तो हमारे अंदर देखने की निष्ठा बन जाए, हमारे अंदर जी जिज्ञासा बन जाए, तीव्र इच्छा हो जाए कि हमें देखना है उस चीज को, तो उसकी विधियां निकालेंगे। अब इसको और चर्चा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या विधि हो जी सकती है कि मैं और शरीर अलग अलग स्पष्ट हो जाए, उसकी क्या विधियां हो सकती हैं, और किन्हीं ने कोई प्रयोग किया हो, कोई विचार किया हो, कोई अभ्यास किया हो कल, तो उसको शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया मनीष धन्यवाद। गुप्ता जी, जी बढ़िया भैया, सुंदर जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी। जी भैया, जो मतलब मैंने अभी अपने में ऑब्जर्व किया था, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो मतलब पहले हम विचार करते थे, थॉट्स चलते थे, उसमें मतलब ब्रेन का बहुत यूज होता था। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि ब्रेन बहुत थका हुआ लगता था, सर में दर्द होता था, मतलब थकावट बहुत फील होती थी। लेकिन जब से एक अवेयरनेस की स्थिति में बने रहते हैं, तो विचार भी चलते हैं, अवेयरनेस भी बनी रहती है, और जो लगता है कि कोई थकावट भी नहीं लगती, मतलब ब्रेन में ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ थक रहा है। तो इसका मतलब लगता है कि ब्रेन में तो नहीं ऐसा कुछ चल रहा, अगर हम अवेयर बने रहते हैं तो, इसलिए वो थकता भी नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा कि 4-5 घंटे की नींद लेके भी हम मतलब काम करते रहते हैं और अवेयरनेस में बने रहते हैं, सब कुछ होता भी रहता है, फिर भी ऐसे कोई थकावट भी नहीं लगती, मन में कोई मतलब ब्रेन में कोई भारी बन भी नहीं लगता। तो जो और कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अवेयरनेस में बने रहते हैं, मतलब देखते रहते हैं है ना अपने आप को, विचारों को, तो वो लगता है पार्ट की वो कहीं बॉडी में नहीं चल रहा, बस इतना ही देख पाती हूँ। और उस स्थिति में फिर सहज ही रहते हैं और मतलब किसी तरह का कोई पुराना विचार या नया फ्यूचर का कुछ भी ऐसा वो अफेक्ट नहीं करता, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा देखते रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, वो लगता है कि शायद हम नहीं चल रहा है, वो किसी बॉडी पार्ट में नहीं चल रहा, बस इतना ही भैया ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। बढ़िया दीदी, बढ़िया, इसको भी देखें, इससे क्या हम इस चीज को देख सकते हैं कि मैं और शरीर अलग रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से हम फिर विचार कर रहे हैं, उस पर हम फिर कोई विश्लेषण कर रहे हैं, कोई तर्क जोड़ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो दोनों अलग होने चाहिए, परंतु ये विचार हो गया, देखना नहीं हुआ। हाँ जी जैसे भैया, जैसे देखना नहीं हुआ जी। हाँ जी, ये भी मतलब बाद में विश्लेषण कर रहे हैं तो लगता है कि, क्योंकि अभी हम इस चीज के ऊपर मंथन कर रहे हैं कि मैं और शरीर को कैसे अलग से वो करें, बस ये तो जब बाद में मतलब विचार करते हैं इसके बारे में, विश्लेषण करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि उस स्थिति में हमको लगता है कि हम खुद में बने रहते हैं, ऐसा कुछ शरीर का कुछ ज्यादा वो नहीं लगता, बस इतना ही भैया। और ये बात तो ठीक है कि अलग अलग देख पाना, तो अभी बिल्कुल भी मतलब कोशिश करने लगते हैं कि कैसे करें, लेकिन अभी होता नहीं है भैया, देख पाना तो नहीं हो रहा। बढ़िया, किसी और ने कल अभ्यास किया हो देखने का, कोई विधि सोची हो देखने की, कोई प्रयास किया हो, जो अभी तक जितनी शेयरिंग हुई उससे कुछ अलग हो। देखिए ये तो अपने को समझ में आता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, है ना, क्योंकि हमारे भ्रमित होने का, हमारे नासमझ होने का एक मूल मुद्दा ये है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, ठीक। फिर हमें बहुत जगहों से ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं कि मैं और शरीर अलग हैं, परंतु उससे जीने में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। फिर इस चीज को छोड़कर हम बाकी चीजों को भी अपने आप में जब जीने जाते हैं तो वहां पे भी मिलावट होती रहती है, बहुत सारी मान्यताएं हमारी काम करती रहती हैं, और उन मान्यताओं को जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो ये मान्यता फिर से उभर कर सामने आती है कि कहीं मैंने अपने आप को शरीर तो नहीं मान लिया। तो ये हमारे लिए जीने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे ज्ञान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं अपने आप को जैसा वैसा देख पाऊँ, शरीर से भिन्न एक वास्तविकता के रूप में देख पाऊँ। इसको कैसे देखें ये हम लोग अपने आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। सूचना तो हमें है, प्रस्ताव हमारे पास है कि मैं और शरीर अलग रहें। हिंट करने के लिए हमने दोनों की आवश्यकताओं को देखा, हमने दोनों की क्रियाओं को देखने का भी प्रयास किया,
दोनों के रिस्पांस को भी देखने का प्रयास किया, ठीक है ना। फिर उसमें हमने अपनी तरफ से और कुछ विचार जोड़े, कुछ और कुछ तरीके सोचे, परंतु ये दोनों अलग अलग ही हैं, इसको देखने की निश्चितता कैसे हो, ये मुद्दा है। एक अच्छी बात तो यह है कि जब हम इस तरह के इश्यूज को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, जब हम इस तरह के इश्यूज पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। और हम अभी जो बाकी सारा कुछ प्रयास कर रहे हैं उसके हायर प्रायोरिटी पे ये प्रयास हो जाता है, तो एक अच्छी बात है। भैया हमने कल कल और पहले भी इसका अभ्यास किया देखने का, तो अगर हम शांत बैठे होते हैं और उसके बाद में हम शरीर को अगर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमें जैसे सेंसेशन हर क्षण बदलती रहती है। कहीं पे अगर हम अपने किसी भी स्थान से देखेंगे, पूरे शरीर को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक अपने आप को स्थिर रखते हुए, तो जितनी भी सेंसेशन है बॉडी के अलग अलग पार्ट से आती रहती हैं, और देखने वाला जो मैं है वो स्थिर रहता है। इससे हम ये सोच पाते हैं कि शरीर की जो क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं वो हमारे मैं में एक स्पेस के रूप में, उसी में जैसे इसको मैंने भैया इस तरीके से देखा है कि स्पेस एक स्पेस है, वो अपने आप में स्थिर है, और जब भी कोई संवेदना उत्पन्न होती है तो उसी में संवेदना उत्पन्न होती है, जैसे संवेदना खत्म होती है वैसे स्पेस अपने स्थान पे फिर आ जाता है। स्पष्ट नहीं हुआ किसकी बात कर रही है? ये भैया सेल्फ की बात कर रहा हूं मैं, कि सेल्फ जो है वो जैसे ही कोई संवेदना उत्पन्न होती है वैसे ही सेल्फ उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद में जैसे संवेदना खत्म होती है वैसे ही सेल्फ फिर अपने स्थान पे आ जाता है, अपने स्थान पे आ जाता है। या फिर हम कहते हैं भैया कि जैसे सेल्फ जो है एक शांत अवस्था में फिर आ जाता है, और उसको अवेयर करने की या हमें शरीर में के संवेदनाओं को रीड करने की हम निर्णय बनाए रखते हैं, तब तक वो भैया इसी अवस्था में बना रहा। ये हमने भैया कल ऑब्जर्व किया, मतलब उसमें एक घंटे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बैठ के भैया जी, बट ये सारा कुछ आप में हो रहा था या शरीर के किसी हिस्से में हो रहा था, है ना, ये अपने आप में फिर भी एक प्रश्न चिन्ह बना रह सकता है। ये भैया हमने जो इसमें देखा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, या मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो शरीर की क्रियाएं थी वो, या शरीर की जो सूचनाएं थी, संवेदनाएं थी, वो भैया टाइम टू टाइम हर क्षण बदल रही थी, लेकिन जो सेल्फ था वो कांस्टेंट था या कांस्टेंट रहता है भैया। तो जो कांस्टेंट तो रहता है सेल्फ में भी नई नई क्रियाएं, जैसे विचार के नए नए वस्तु तैयार हो रहे हैं, नए नए आसन तैयार हो रहा है, नए नए भाव बनते रहते हैं, तो सेल्फ में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सेल्फ कांस्टेंट है, एक ही प्रकार से बना हुआ है। ये भैया हमने जिस समय ऑब्जर्व किया था उस समय मेरे मन में केवल शरीर की संवेदनाओं को देखने का ही उसमें चल रहा था सेल्फ में, तो शरीर की संवेदनाओं को देखने के अलावा और हमारे दिमाग में उस समय कुछ नहीं आया, तो भैया ऐसा मुझे लगा। अब इसमें कितना सही है भैया आपको? बढ़िया 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 भैया, बहुत सुंदर भैया। सेल्फ में परिवर्तन होता है, लेकिन सेल्फ की जो सुखी होने की, निरंतर सुखी होने की जो चाहना है ना, वो हमेशा के लिए बनी रहती है। हम चाहे जागते हैं हुए भी, और हम जब सोते हैं, मतलब सपने में भी वो बनी रहती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि ये अलग है, क्योंकि जो बाकी की ब्रेन की जो एक्टिविटी है, विचार जो हम कर रहे हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन सुखी होना है वो इनेटनेस, वो अंदर से आ रहा है, कहीं एकदम ही अंदर से आ रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है। और इसकी इस
इस पॉइंट को अगर हमने देखा तो शरीर और सेल अलग अलग है, ये एक बात हम कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन और एक बात है कि अगर बाकी के लोगों की चाहना भी देखी तो वो भी सुखी होना ही है। पहली बात मैंने की कही कि जो हमारी सुख की चाहना है ना, वो हमेशा बनी बनी रहती है। हाँ, बट आप ये अभी आप इसको देखिए तो सुख की चाहना बनी हुई है, शरीर भी बना हुआ है, तो कोई तो ऐसा कह सकता है कि चूंकि शरीर बना हुआ है इसलिए सुख की चाहना बनी हुई है, ठीक है ना। तो सुख की चाहना कहीं शरीर में ही है, ऐसा तो नहीं कि शरीर का लोप हो गया और सुख की चाहना बनी हुई है। तो शरीर भी बना हुआ है, सुख की चाहना बनी हुई है, दोनों एक ही है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब अगर हम बाकी के लोगों को भी देखा ना, तो सभी की चाहना सुखी होने की है। हाँ, वो सभी का शरीर भी बना हुआ है, सभी के अंदर सुखी चाहना बनी हुई है, सुखी चाहना शरीर में बनी हुई है, ऐसा तो कहा ही जा सकता है। तो इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि नहीं, सुख की चाहना जो है वो चैतन्य में है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, मतलब उसको अगर देखने जाए तो इसमें तर्क के स्तर पे तो हम इसको टर्न डाउन कर सकते हैं। और देखिए अभी भी आप देखिए तो वेस्ट में ये सब बातें होती ही रही हैं। स्टीफन हॉकिंग पूरे समय कहते रहे कि मानव शरीर मात्र है, ठीक, तो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था कि मनुष्य सुखी होना चाहता है। चाहना से तय नहीं होता, क्योंकि सुख की चाहना बनी हुई है, शरीर बना हुआ है, ये सुख की चाहना शरीर में ही बनी है, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। इससे हाँ, तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अच्छा, देखिए ये सब अभी विचार ही चल रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ तर्क यूज कर रहे हैं कि चूंकि सुख की चाहना बनी हुई है इसलिए मैं हूँ, चूंकि ऐसा है इसलिए मैं हूँ, चूंकि वैसा है इसलिए शरीर नहीं हूँ। तो ये सारा कोई विचार है, देखना नहीं है, तर्क है ये। यहाँ पे भी हम इफ देन एल्स यूज करते हैं, यदि ऐसा है तो ऐसा है, नहीं तो वैसा है, ये सब विचार है, तर्क है। भैया, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम देख तो रहे हैं लेकिन वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो देखने की जो प्रक्रिया, मतलब वो आंखों से नहीं देख रहे हम, वो हम महसूस कर रहे हैं, सेल्फ को सेल्फ से ही महसूस कर रहे हैं, और वो जो देखना है वो चैतन्य के स्तर पर है, तो इसलिए हम शब्दों से, मतलब कि बॉडी के माध्यम से नहीं व्यक्त कर पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं क्या फिर? देखिए, व्यक्त करना ना कर पाना अलग बात है, देख पा रहे हैं या नहीं ये मुख्य मुद्दा है। तो अभी हम सुख की चाहना को देख रहे हैं, मैं के शरीर से अलग होने कहाँ देख पा रहे हैं। तो एक बात है कि जो सेल्फ के क्रिया है, जैसे भाव विचार वगैरह, वो सब मुझे जब मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है या दिखता है कि वो बाहर चल रही है क्रिया है। लेकिन अदरवाइज आमतौर पे जब रोजमर्रा के बोलते वैसे चल रहा होता है तो मुझे ये नहीं ध्यान में आता या ये समझ में नहीं आता, लगता है कि ये सब अंदर ही चल रहा है। लेकिन पूरे ध्यान से देखती हूँ तो समझ में आता ही है कि हाँ, ये तो बिल्कुल बाहर ही चल रहा है, ऐसे ऐसे मेरा मानना नहीं है, लेकिन दिखता है वो एकदम सटीकता से दिखता है कि क्लियरली बाहर ही चल रही है ये सब क्रियाएं। कहाँ बाहर चल रहा है, आपकी बात थोड़ी स्पष्ट कम हुई। हाँ, कल्पनाशीलता की जो बातें हैं वो सब बाहर चल रहे हैं, ये मुझे स्पष्टता से दिखता है, लेकिन पूरा ऐसे ध्यान दे तभी समझता है, दिखता है, लेकिन अदरवाइज लगता है हाँ, अंदर ही चल रहा है। हाँ, ठीक है ना। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि हम सबके लिए अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, ठीक, और अल्टीमेटली मुद्दा तो प्रायोरिटी बनने का है। जिस क्षण भी प्रायोरिटी बनने लगती है और अपने को दिखता है कि यही इस क्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो हम उसको करने लगते हैं। अभी हमारे दूसरे कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो वहाँ ध्यान बटा रहता है, हमें किसी क्षण ये तीव्र इच्छा बन जाए। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये एक अनिवार्य भाग है, कोई भी वास्तविकता को हमको देखना है
तो उस वास्तविकता को देखने की एक तीव्र इच्छा बन जाए, है ना, हमको लगे कि इसको देखे बगैर निरंतर सुख की तो संभावना ही नहीं है, या निरंतर सुख नहीं हो पाएगा, ये देखना मेरे लिए अनिवार्य है। ठीक, तो दिख जाएगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सुख की आशा से कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं जिसको सुख लगता है, तो हमको दिखे कि ये देखना ही मेरे सुख का आधार बनेगा, तो उसको देख पाएंगे जी। तो इसमें देखिए प्रमुख रूप में, हाँ बताइए। तो मुझे ऐसे एक बात का ये होता है कि क्या जरूरी है कि मुझे हर वक्त ऐसे दिखते रहे कि हाँ ये बाहर चल रहा है, ये जरूरी है? मैं अदरवाइज अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है अंदर चल रहा है और मैं उससे मतलब क्या मतलब कॉन्शियस नहीं हूँ या फिर समझ नहीं आ रहा ठीक है जल रहा है या जो भी हो, और मुझे उसके वजह से मुझे मुझे कुछ तकलीफ भी नहीं हो रही है, मैं हारमोनी में हूँ, तो जो चल रहा है वैसे मैं ये कर सकती हूँ, सिर्फ ध्यान देने से समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है बाहर ही चल रही है बातें वैसे। तो हर क्षण दिखता रहे जरूरी नहीं है, बट हमने देख लिया हाँ तो हमारे अंदर वो आश्वस्ति बनी रहती है। देखा नहीं है, विचार किया है, तो शंका बनी रहती है। हाँ। कोई कल नया विचार लेकर चला है जी, है ना, तो हमारे अंदर फिर नई शंका उत्पन्न हो जाती है। जी नहीं नहीं ये तो विचार नहीं किया है, दिख रहा है बिल्कुल जी। अच्छी बात है, अच्छी बात दीदी। तो देखिए अच्छी बात तो यह है कि एक प्रायोरिटी बन गई है, हम उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ एक प्रस्ताव रख देता हूँ कि मैं और शरीर भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, ये कैसे दिखेगा? तो इसके कई विधियां हो सकती हैं, कई तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसमें एक ये भी हो सकता है कि अगर स्थान रूप में मुझे मैं और शरीर अलग अलग दिखाई दे जाए, मैं देख पाऊं कि यहाँ शरीर है और उस स्थान पे मैं नहीं, मेरा स्थान शरीर से भिन्न है और उस क्षण भी मुझ में क्रियाएं चल रही है, शरीर में भी क्रियाएं चल रही है, तो इस बात की आश्वस्ति हो जाती है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि स्थान में हम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। तो ये भी एक विधि हो सकती है, इसको प्रयोग करके देखिए। तो क्या होता है, उससे एक बार ये दिखना हो जाए कि स्थान में मैं अलग हूँ, मैं उस स्थान पर नहीं हूँ जहाँ शरीर है और उस क्षण भी मुझ में क्रियाएं चल रही है, भाव है, विचार है, ठीक है ना, आशा बनी हुई है और शरीर में भी गतिविधियां हो रही हैं, संवेदनाएं हो रही हैं जिसकी सूचना मुझे मिल रही है, परंतु मैं स्थान में भिन्न हूँ शरीर से, उसी स्थान पे नहीं हूँ, तो फिर इन दोनों के अलग अलग होने की आश्वस्ति हो जाती है। तो आप सब जो कह रहे हैं उसका पूरा सम्मान है ना, उसके साथ और देखें, परंतु अगर ये बात हमको दिख जाती है तो उस पर आश्वस्ति बन जाती है, फिर वो हम उस चीज को अपने आप में हमारे अंदर वो भाव बना रहता है, वो जो हमने देखा वो हमारे अंदर बना रहता है, वो हमारे ज्ञान का एक हिस्सा बन जाता है कि नहीं। तो स्थान रूप में जब मैं अलग देख लेता हूँ तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उस क्षण मुझे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैं वहां नहीं हूँ जहाँ पे शरीर है। तो ये एक अच्छी विधि हो सकती है, और अभी जो विधियां हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका बिल्कुल हम लोग ध्यान दें, उसके ऊपर काम करें। तो ये जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, जहां से हम भ्रमित होते हैं और जहां से हम समाधानित होते हैं, यदि मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूँ, उसी विचार से चलता हूँ, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, किसी ने कहा है, ठीक, कोई गहरी मान्यता है किसी समाज में, किसी समूह में, हमने उसको स्वीकार लिया है, इन सब बातों से अल्टीमेटली मेरा देखना नहीं हो पाता, और जब देखना नहीं होता तो जानना नहीं होता, ठीक है ना। तो हम वो मानकर ही जी रहे होते हैं, और जब भी हम ऐसे क्षणों में उलझते हैं जहां मुझे तय करना है कि मैं शरीर हूं कि नहीं, ठीक, तो हमारे अंदर भय, घबराहट, शंका, परेशानी बनी रहती है कि नहीं जी। और इसके साथ हमें ये भी समझ में नहीं आता फिर मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इसके बारे में फिर सूचनाएं रहती हैं, सूचनाओं में बहुत सारा भेद रहता है, कोई एक प्रकार से कहता है, कोई दूसरी प्रकार से कहता है, है ना, कोई तीसरे प्रकार से कहता है, अब हम उस सारी सूचनाओं को ढोते रहते हैं, उससे हमारे जीने में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता। तो मैं को मैं की तरह, शरीर को शरीर की तरह देखना एक मूलभूत आवश्यकता है हमारी, वहीं से फिर बाकी चीजें स्पष्ट होनी शुरू होती हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ और मैं अपने आप में स्पष्ट नहीं हूँ कि मैं हूँ या शरीर है, कि कौन चाहता है, तो दूसरा भी मैं है कि शरीर स्पष्ट नहीं होता,
कि कहने के बावजूद, दोहराने के बावजूद, बार बार चर्चा करने के बावजूद हम अपने आप को भी शरीर रूप में देखते हैं, मानते हैं, दूसरे को भी शरीर रूप में मानते हैं, और जीने में हमारी चूक होती रहती है, क्योंकि फिर हम उसके शरीर के सुख के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने शरीर के सुख के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि हमने ये मान लिया है कहीं ना कहीं सुख तो शरीर में है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देख नहीं पा रहा हूँ, तो फिर हमारे संबंध में रुकावट बनी रहती है। हम जिस व्यवस्था में भागीदारी करने जा रहे हैं वो व्यवस्था भी मानव से बनी हुई है, उसमें मानव भी शामिल है। अभी सारे मानव के बारे में हमको स्पष्ट नहीं है कि मैं है कि शरीर है, तो जब हम वहां पे कोई निर्णय करने जाते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन वहां पे ओवरूल करने लगता है। तो अगर ये बात हमें स्पष्ट ना हो तो हम चाहे संबंध को देखने जाएं, व्यवस्था को देखने जाएं, सहस्तित्व को देखने जाएं, अब देखिए चूंकि हम मैं को ही नहीं देख पा रहे तो शून्य को देखना तो उससे और आगे की बात है, उसमें और बारीकी की जरूरत है। तो हम वहां पे भी बहुत सारे विचार ले आते हैं, बहुत सारी चीजें स्मृति से ले आते हैं, है ना, सुनी सुनाई बातों को ले आते हैं, सूचनाओं को ले आते हैं। वो सूचना सही हो सकती है, किसी ने कहा भी होगा, सही कहा होगा, परंतु हमारे लिए तो सूचना भर है, हमने तो देखा नहीं, जाना नहीं, जांचा नहीं कि नहीं। और बाहर से सूचनाएं आती है, वेरिएशन रहता है, फिर हम एक सूचना को कोई सही मानता है, कोई दूसरी सूचना को सही मानता है, उसे फिर मत मतांतर बनने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मैं और शरीर, ये दो वास्तविकताएं अलग अलग स्पष्ट हो जाए। अगर यह स्पष्ट नहीं होती तो संबंध भी स्पष्ट नहीं होता, व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं होती, सहस्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता, और ये कन्फ्यूजन अंडरलाइंग रहता है, और हम विचारों से काम चलाते रहते हैं, फिर ये हमारे लिए भार रहता है। इस संबंध की बात हम लोग करते रहते हैं, भावों की बात करते रहते हैं, बट उसके लिए भी प्रयास होता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है उस भाव को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाव के मूल में जो वास्तविकता है वो स्पष्ट ही नहीं है। व्यवस्था में भागीदारी करने का सोचते हैं, प्रयास भी करते हैं, करते भी हैं, तो उसके मूल में जो अस्पष्टता है वो हमको परेशान करती रहती है, वो शंका भय हमारे अंदर बना रहता है, ठीक। और सहस्तित्व पे तो बात जाती ही नहीं है फिर, क्योंकि तो ये जो मैं को ही देखना नहीं हुआ, समझना नहीं हुआ, तो आगे की बात कहाँ से दिखेगी। इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको देखना, और इस पे अपने को काम करने की जरूरत है। इस पे हम जितना ठीक से काम करेंगे उतना आगे के लिए स्पष्टता बनेगी। तो इसको ऐसा करते हैं, 10 मिनट का समय लगाते हैं, इसको अपने आप में देखते हैं, ठीक है ना, मैं और शरीर, और इन दोनों को फिर देखते हुए फिर हम लोग आगे चलेंगे। और जैसे हम लोगों ने भाव को देखने का एक अभ्यास बनाए रखा, पूरे अभ्यास एक में उसके साथ आगे काम किया, वैसे ये मैं को देखने का, शरीर को देखने का, अलग अलग देखने का अभ्यास हम बनाए रखें और फिर आगे के काम करें, आगे का अभ्यास करें, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा कि नहीं। तो हम लोग 10 मिनट का समय लगाते हैं अपने आप में देखने का, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। इस स्पष्टता के साथ या इस अभ्यास के साथ अब हम लोग आगे और चीजों को देखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं और शरीर, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको हम देखते रहें, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमने देख लिया स्टेप वन में, इसको देखते रहें, उसके साथ फिर हम बाकी चीजों को भी देखेंगे। तो मैं और शरीर के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको देख सकते हैं। तो मैं और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, तो अभी भी अगर हम देखें तो मैं शरीर को संकेत देता हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं शरीर को संकेत दे रहा हूं, जिन संकेतों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं उनको शरीर को देता हूं, शरीर से जो काम लेना चाहता हूं उसे वैसा संकेत देता हूं, बोलो, उठो, चलो, बैठो, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। और ये संकेत एक सूचना है, एक सूचना मैं देता हूं। वैसे ही शरीर में जो घटना घट रही है उस आधार पर शरीर में संवेदना हो रही है, तो शरीर के हर अंग में संवेदना हो रही है। जिन संवेदनाओं को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं उनको पढ़ता हूं, उनका मैं आस्वादन करता हूं, और ये संवेदना भी सूचना है। तो शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में, हर भाग में घटनाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, वही संवेदनाएं हैं, और वो मुझ तक सूचना के रूप में आती हैं, और मैं फिर उसको पढ़ता हूं। तो मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई बहुत ही रासायनिक वस्तु का नहीं, ये अपने आप में हमको दिख सकता है।
तो इसमें आवश्यक भाग ये रहेगा कि मैं और शरीर, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये देख पाएंगे तभी तो ये भी तय कर पाएंगे कि भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो रहा। अगर मैं अपने आपको शरीर मानूं और शरीर भौतिक रासायनिक है ही, तो ये भी मैं मान सकता हूँ कि ये जो मैं विचार कर रहा हूँ वो कोई फिजियो केमिकल ही रिएक्शन हो रहा है, जो मैं निर्देश दे रहा हूँ फिजियो केमिकल ही कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो जब मैं अपने आप को शरीर से भिन्न देख पाता हूँ तो मैं पता लगता है कि मेरा होना फिजियो केमिकल नहीं है, मेरा होना फिजियो केमिकल नहीं है। तो जो शरीर से ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें भी फिजियो केमिकल नहीं है, भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा मैं नहीं देख पाता हूँ तो लगता है ये पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रेशन है, ये पर्टिकुलर एक तरह का क्रिया हो रहा है शरीर में ही जो इस रूप में दिख रहा है। तो इसको हम अपने आप में देखें कि मेरे और शरीर के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक, मैं किस तरह शरीर को संकेत देता हूं और किस तरह शरीर में होने वाली घटनाओं को मैं पढ़ता हूं। तो जो मैं शरीर को संकेत दे रहा हूं सूचना रूप में है, जो शरीर से मैं संवेदनाओं को पढ़ रहा हूं वो भी सूचना रूप में है, और मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का ही आदान प्रदान हो रहा है, और ये सूचना बहुत ही रासायनिक नहीं है कि नहीं। तो अब देखेंगे हम शरीर से बहुत सारी हरकतें करते हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब पाएंगे हम बैठते हैं और हर 2 मिनट 4 मिनट में अपना पोस्चर बदल देते हैं, थोड़ा बहुत तो बदल ही देते हैं, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं कि नहीं। अब ये जो कुछ भी हरकत हो रही है शरीर में वो मेरे द्वारा देने वाली सूचना के आधार पर तो हो रहा है, कैसे हो रहा है इसको भी ऑब्जर्व करें। तो मेरे और शरीर के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको देखना है। इसमें अनिवार्य भाग है कि मैं अपने आप को और शरीर को अलग अलग देख पाऊं, तब तो बीच का ट्रांजैक्शन देख पाऊंगा, परंतु अभी हम जहां खड़े हैं वहां से इसको देखें कि मेरे और शरीर के बीच क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। इतना तो पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन तो कुछ हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, मोबाइल को देख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है। अब ये कहाँ हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ये देखना शेष हो सकता है। तो ये मेरे और शरीर के बीच में हो रहा है या शरीर के एक अंग और दूसरे अंग के बीच हो रहा है, और जो हो रहा है वो भौतिक रासायनिक है या उससे कुछ भिन्न है, इसको एज इट इज देखना बनता है। तो ये स्टेप वन से जुड़ा हुआ है, तो जितना जितना मैं स्टेप वन को ठीक से कर पाता हूँ, मैं और शरीर की वास्तविकताओं को अलग अलग देख पाता हूँ, उतना ही इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको देख पाता हूँ, तब हमारे अंदर ये भ्रम नहीं रहता कि शरीर में ही हो रहा है, कुछ भौतिक रासायनिक हो रहा है, कुछ फिजियोकेमिकल हो रहा है। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, इसको अपने आप में देखें, ये आज हमारे लिए गृह कार्य के रूप में रहेगा, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना। इस ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो आपका, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। जी इन दिनों ठंड काफी ज्यादा है दिल्ली क्षेत्र में, 1.4 1.7 डिग्री सेल्सियस ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है तो संवेदना को पढ़ने का एक अच्छा अवसर है कि इस ठंड से आने वाली संवेदना को देखें। जी इसको लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो मुझे अपने और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना है, इसको भी हम कई भाग में कर सकते हैं। एक तो शरीर में संवेदना हो रही है इसको देखें, जो घटनाएं हो रही है इसको भी देखना शुरू करें कि शरीर के अंदर जो घटनाएं हो रही है ठीक, ये मेरा मानना है या हो रही है, शरीर के किसी किसी अंग में हो रही है, हर एक अंग में हो रही है। इसमें एक अच्छा अभ्यास ये है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में होने वाली क्रियाओं को देखें, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा कुछ भाग ऐसे हैं शरीर के जहां कोई घटना नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं हो रही, बट आप ध्यान देंगे दिखने लगता है। तो आप देखिए शरीर के किसी भी अंग को चुन लीजिए, है ना, और आपको वहां संवेदना दिखने लगेगी,
शुरू में लगेगा कि संवेदना बड़ी स्थूल है, ध्यान देंगे तो संवेदना ज्यादा तीव्र दिखाई देगी, लगेगा आपको शरीर सोया हुआ है, मूर्छित है, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि अरे ये तो हर एक कोशिका में संवेदना हो रही है। तो आप शरीर का कोई एक अंग चुन लीजिए जिसमें आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, कोई एक अंग, है ना, आपके पैर का अंगूठा हो, ठीक, आपके हाथ का कोई भाग हो, सिर का कोई भाग हो, घर का कोई भाग हो, जहां लग रहा है कुछ क्रिया नहीं हो रही, कोई संवेदना नहीं हो रही, उसको देखिए और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको संवेदना दिखने लगती है। जी, एक भाग तो ये है कि शरीर में होने वाले भिन्न भिन्न अंगों में संवेदना को देखना, ठीक। फिर उसमें ये भी देखिए कि वो आपको कैसे पता लग रहा है कि संवेदना हो रही है, आपको कैसे पता लगा कि वहां संवेदना हो रही है। मैं देख रही हूँ कि शरीर, जैसा कि ठंड का बोला आपने, ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ एमपी में भी, लगभग 3 डिग्री लगभग बताया गया टेम्परेचर। तो मैं देख रही हूँ अपने शरीर, कई बार शरीर से भी सूचना किसी अंग से इतनी आती है कि मैं का ध्यान वहां चला जाता है। जैसे मैं देख रही हूँ कि मेरी कमर में दर्द है 2 दिन से, और आज मैं देख रही हूँ कि मेरा गला भी दर्द हो रहा है। तो ये मैं तो नहीं, मैं का डिसीजन नहीं था, ये तो शरीर से सूचना आई थी, शरीर से संवेदना आई, उसको उसकी तरफ मैं चैतन्य का ध्यान मतलब जाता है। फिर ये मैं देख पा रही हूँ कि मैं उसको कितना संवेदनशीलता में कितना गहरा ले रही हूँ, और जब बहुत ज्यादा तीव्र संवेदना वहां से सूचना आती है शरीर से, तो मैं स्थिर रहने की मतलब शरीर पर ध्यान देती हूँ कि हाँ यहाँ पर अब दवा की जरूरत है। परंतु यदि मैं उसको बहुत घबराहट में या तीव्रता में ले लूं, तो वही चीज फिर सहन नहीं हो पाती है। और यदि मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, तो देखती हूँ कि मैं 2 दिन के बाद वो मतलब अपने आप में मैं भूल जाती हूँ कि वहाँ दर्द था, या दर्द कम हो जाता है। फिर ऐसा मैं अभी 2 दिन से देख रही हूँ मैं अपने शरीर में, क्योंकि ठंड का है असर, ठंड को हर अंग पर हो रहा है। जैसे पैर का अंगूठा आपने अभी बोला, तो पैरों में खुजली होने लगती है कई बार ठंड के कारण, तो वहां भी ध्यान जाता है। तो मैं सॉक्स पहन के सो रही हूँ अभी 2 दिन से, तो हर एक अंग में कुछ ना कुछ हलचल तो हो रही है शरीर के, और ध्यान देती हूँ तो एक एक अंग में होती है, और नहीं ध्यान देती हूँ तो जब तीव्र संवेदना और तीव्र सूचना आती है शरीर से, तब ध्यान चला ही जाता है। फिर वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना गहरा लेते हैं या नहीं लेते हैं। जी भैया, यही कहना था। जी बढ़िया दीदी, तो एक तो संवेदना को पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं, वो आप अभी भी जैसा आपने शेयर किया उसको आप और आगे करें। दूसरा, मेरे अंदर जो भाव विचार होता है उससे शरीर प्रभावित तो होता है, तो जैसे शरीर के किसी अंग में कोई तीव्र संवेदना हो रही है, हम ध्यान हटा लेते हैं तो संवेदना को नहीं पढ़ते, उस समय उसका पता नहीं चलता। ध्यान किसी एक विशेष प्रकार से देते हैं तो कई बार संवेदना प्रभावित भी होती है, उससे शरीर स्वस्थ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो हम शरीर के किसी अंग को एक सीमा तक जो हम संकेत देते हैं उससे प्रभावित करके स्वस्थ कर सकते हैं। और वैसे ओवरऑल देखें तो यदि हम कुछ भी हरकत करते हैं, श्रम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो शरीर को संकेत देते हुए करते हैं जिससे शरीर स्वस्थ होता ही है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छी बात है कि हम इस मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान को और ठीक से देखें। तो हम लोग इस अभ्यास में एक और चीज जोड़ लें, बैच 5 में, बैच 4 में तो हमने काम किया ही था, कि हम शरीर के हर अंग में होने वाली संवेदना को देखें। ठीक, इनफैक्ट इसका एक अच्छा अभ्यास विपश्यना विधि से भी किया जाता है, जिसपे हम शरीर के हर अंग में होने वाली संवेदना को देखते हैं। तो हर अंग में होने वाली संवेदना को देखें और उसको देखें कि वो कैसे आप तक पहुंच रही है, उसकी सूचना आपको कैसे मिल रही है। और हम हर हरकत को देखें और देखें कि कोई भी हरकत मैं करता हूँ उसमें मेरा संकेत शामिल होता है। मैं पैर हिला रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, सिर घुमा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पलके
उठा रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, ये सब भी है ना, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, आईबॉल्स घुमा रहा हूँ, इन सब में आपको दिखाई देगा मेरा संकेत शामिल है। तो कितने प्रकार से क्रियाएं हो सकती हैं उसको हम लोग आगे के स्टेप में अध्ययन करेंगे, परंतु इतना देखिए संकेत दे रहा हूँ, ये जो शरीर से मैं हरकत कर रहा हूँ ये मेरे संकेत बगैर नहीं हो रहा, मैं संकेत दे रहा हूँ तभी हो रहा है। मैं चल रहा हूँ, पैर उठा रहा हूँ, मेरा संकेत से ही हो पा रहा है। मैं दाया पैर पहले उठाऊंगा या बायां पैर, ये मेरे संकेत से ही तय हो रहा है। तो मैं और शरीर के बीच संकेत का आदान प्रदान हो रहा है, और ये संकेत मात्र है, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं। इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है, संकेत मात्र है, वो तो अपने आप को शरीर से भिन्न देखना अनिवार्य है। अदरवाइज हम ये माने रहते हैं कि कोई ना कोई हार्मोनल सिक्रेशन से सब हो रहा है, जो प्रेजेंट मेडिकल साइंस भी कई बार कहता है ना, तो देखना जरूरी है। शरीर पे जो ये बात चली संवेदना, संवेदना मतलब वो सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं ना भैया जी, संवेदना तो भैया जैसे तो वैसे अपन लगती है कुछ भी होता है तो उसका भी अपन को पता चलता है, अपन कुछ कर रहे हैं तो उसका पता चलता है। लेकिन जैसे कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी आपने बताया भी कि हार्मोनल्स की वजह से या इसमें संवेदना में जैसे ऐसा नहीं देख पाते ब्रेन कंट्रोल कर पाता है या ब्रेन की वजह से ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो ये अब इसको जैसे जैसे शोध करेंगे ना, ये ब्रेन भी कुछ है, ठीक है, इसके बारे में भी हो सकता है। देखिए अभी तो ब्रेन के बारे में हमने पढ़ाई की है, ब्रेन के बारे में सूचना मिली है, ब्रेन में क्या हो रहा है तो हमने अपने आप से देखा भी नहीं है। इस क्रम में हम ये भी देखें कि सूचना का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मेरे और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या हाथ पैर में हो रहा है, हृदय में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, लीवर में हो रहा है ना, लंग्स में हो रहा है या ब्रेन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसको भी ऑब्जर्व करें। बहुत बढ़िया, तो इसको ऑब्जर्व करें। तो कई बार क्या होता है, माने रहते सब तो ब्रेन कर रहा है, देखिए मामला यही सारा फंस जाता है, जो वेस्टर्न साइंस फंस जाता है यही फंस जाता है, जो हर चीज को ब्रेन की एक्टिविटी के रूप में एक्सप्लेन करने जाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी एक्सप्लेन भी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन को एक ढंग से प्रभावित किया तो एक्टिविटीज बदल जाती है। इनफैक्ट एक नई टेक्निक आई है वेस्ट में, इसको मेमोरी इरेजर कहते हैं, कि मेमोरी को मिटा देते हैं और वो ब्रेन में कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं, जिससे जो भी पास्ट मेमोरीज है वो चली जाती है। तो इस बात को एस्टैब्लिश भी करने में लगे हुए हैं कि सारी मेमोरी ब्रेन में, सारा डिसीजन मेकिंग ब्रेन में है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन है ये, है ना, कि और ये स्टेप वन से जुड़ा हुआ है कि मैं और शरीर दो वास्तविकताएं हैं या शरीर का कोई एक विशेष भाग है जिसको मैं कई प्रकार से हिंट करता रहा, जिसको ब्रेन कहते हैं, और उसी में सब कुछ हो रहा है। तो ये मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है या ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, ब्रेन में ही फिजियोकेमिकल एक्टिविटी चल रही है जिससे सारा कुछ हो रहा है। ये जो हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं ना, ये बहुत सारे चीजों पे इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, ठीक, और इसको बारीकी से देखना बनता है, समझना बनता है कि ब्रेन कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ तो ब्रेन क्या कर रहा है ना, और अगर ब्रेन कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, और मानव अगर शरीर मात्र है तो फिर ये सब करने का पर्पज क्या है, कल हम लोग इस पे बात करेंगे। जी भैया, बहुत बड़ा, जैसे कि शरीर और भी अलग हो रहा है, फिर ब्रेन, शरीर में फिर ब्रेन, और एक मुख्य मुद्दा देखा जाता है कि ब्रेन कंट्रोल कर पा रहा है, फिर ब्रेन में अभी जैसा बता रहे कि मैं जो एक सेल्फ है वो करता है, तो उसमें बहुत बड़ी मतलब तो एक कॉन्फ्लिक्ट लगता है। हाँ, तो कल इसको टेकअप करते हैं, कल इस पे बात करते हैं, क्योंकि यही सब मान्यता है जो हमारे अंदर घर की रहती है, ठीक है ना। तो आज इस आदान प्रदान को देखें, कल हम लोग ब्रेन को लेकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, जो भी तरह के प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग लेंगे, चर्चा करेंगे। जी, बहुत ही बढ़िया, तो आज हम लोग इस अभ्यास को करते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। हम लोग लिखते भी चले, है ना, जो भी हम लोग देख पा रहे उसको लिखते चले, हम सबके लिए उपयोगी रहेगा। जी, सभी को नमस्ते।